और मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के बैनर तले आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को संबोधित ज्ञापन कलेक्टर छतरपुर को सौंपा गया। और हम आपको बता दें कि संघ के जिला अध्यक्ष जीडी सोनकिया ने कहा कि नेतृत्व में कर्मचारियों ने छत्रसाल चौराहे से पैदल मार्च करते हुए बड़ी संख्या में कर्मचारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा। और संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र हिंगवसिया ने बताया है कि मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के बैनर तले आज 25 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें प्रमुख रूप से पुरानी पेंशन योजना वरिष्ठता के साथ लागू करने के लिए प्रदेश के कर्मचारी एवं पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देते हुए एरियर्स की राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के 18वें त्रिवार्षिक राज्य कर्मचारी संघ का जिला कोषाध्यक्ष आज प्रदेश के आह्वान पर 25 सूत्रीय मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है। 25 सूत्रीय मांगे हैं। प्रमुख मांग क्या? प्रमुख मांगे हैं पदोन्नति और केंद्र के समान जो है महंगाई भत्ता दिया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, ऐसी प्रमुखता के आधार पर कर्मचारियों की जो निपेक वर्गीय संवर्गीय कर्मचारियों को मंत्रालय से मीन वेतनमान दिया जाए, प्रमुख मांगे ये है और हमारी राज्य शासन से अपेक्षा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका और किस प्रकार की समस्या को लेकर आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया? देवेंद्र निवासिया, प्रदेश उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ। आज हमारे जो प्रदेश कार्यकारिणी के अभी 18वें त्रिवार्षिक अधिवेशन में नव निर्वाचन हुआ, उस बैठक के बाद हमने जो बैठक की उसमें निर्णय लिया गया कि प्रदेश के कर्मचारियों की बहुत सारी समस्याएँ हैं, उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग 24 सितंबर को जिले में और 17 अक्टूबर को प्रदेश में ज्ञापन का कार्यक्रम करेंगे। प्रदेश में वृहद स्तर पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो है, सबसे पहली समस्या तो है कि हमें केंद्र के समान हम 4% डीए पीछे पड़ रहे हैं, मिल रहा है वो हमें दिया जाए और उसी तिथि से हम लोगों को एरियर भी दिया जाए। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे अध्यापक संवर्ग के और नवीन भर्ती